ईश्वर का द्वार, धर्म का द्वार, मोक्ष द्वार संकीर्ण है, सूक्ष्म है। शरीर का अंत हो जाता है, सलो अस्थूल शरीर का अस्थान जिथे मरण है, समा जिस वक्त मरना है, कारण जिदे राही मरना है, बुखार दे च मरना है, एक्सीडेंट दे च मरना है, किसी रोग भयंकर दे च मरना है। कारण अस्थान ते समा निश्चित है, इस तन का समा निश्चित है, कारण और निश्चित है अस्थान। तो स्थूल शरीर ते गया तो जड़ा सूक्ष्म से डांचता वह कितने जा, उदे लई सिर्फ दो रस्ते ने, या तो परमात्मा चलीन हो गए या फिर अस्थूल शरीर नू प्राप्त करे, फिर प्राप्त करे। तो परमात्मा ते ओ लीन आता है केड़ा, जिहड़ा 100% निर्मल हो जाए, 100% पवित्र हो जाए। दाग दोष मो चलिया लाए, दरगे बैसण नाई, ये दाग ही है, ये बड़े दाग ने, ये तो मैल है, ये जोत दे जोत नहीं हो सकता, ये नहीं समा सकता परमात्मा। क्यों? दाग दोष मोह चलिया लाए, इदे मुकड़े ते बड़े दाग, बड़े दोष, बड़े पाप, इदे लई दरवाजे बंद। सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज दीआं पंक्तियां, दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसण नाई, 100% जिहड़ा निर्मल है उहदे लई, नाम ध्यान साजना जन्म पदार्थ जी, नानक धर्म ऐसे चरे कीर्तन भवन पुने। परमात्मा भी कह उठदा है, ठीक है घर पवित्र सी, पर ऐ संत तेरे आन करके होर पवित्र हो। परमात्मा भी उपमा करता है, प्रभु भी उपमा करता है, तू आए ठीक। दागी लई दरवाजे बंद रहे, दाग दोष मो चलिया लाए, दरगे बैसण नाई जाए। 99% दागी है, सिर्फ 1% शुभ है, दूसरा 90% निर्मल है, सिर्फ 10% दागी है, उहदा सूक्ष्म शरीर, उहदे जिहड़े संस्कार पए। जो 90% निर्मल है इन्हों देवते कहते, जो 99% दागी है इन्हों भूत प्रेत कहते। भूत प्रेत कहते सूक्ष्म ते अस्थूल का संबंध टूट जाए, ये दोवें ही भटकते हैं लंबे समय तक भटकते हैं। कारण 99% दागी है, ते हुण कोई 99% दागी मां चाहिए, उहदी कुख दे राही आ सकदा है, दूजी दी कुख दे राही, दूजे दी गोद दे राही ये नहीं आ सकदा। जैसे पानी निमाण दी तरफ वगदा है, संस्कार अपने मिलदे जुलदे संस्कारां दी तरफ ही जांदे। संस्कारक ढांचा बड़े ध्यान नाल सुनना, संस्कारक ढांचा मिलते जुलते संस्कारां दी तरफ ही जाता, उंज नहीं जाता।
उसे गर्भ में प्रवेश करेगा। वो संस्कारक ढांचा जिस मां के संस्कार उस नाल मेल खा गए। इस वास्ते सारे एशिया के अगर बच्चा छोटा बहुत बैड़ा है गालां मामा नूं ही पैंदियां और किसे नूं पैंदियां मामा नूं ही पैंदियां। इन्ने गंदे संस्कारां दा बच्चा ते तेरे इतने गंदे संस्कार, इन्हों मैं बहुतां नाल मुकावां। जिहड़ी मूल गल है मैं कहां 90% निर्मल है, 10% मलीन है। देख अस्थूल शरीर जांदा रहा नहीं रहा, नहीं तो शायद वो 10% जिहड़ी मैल रह गई सी उन्हों भी धो दे, पूर्ण पवित्र हो जाता। पर स्थूल शरीर अगे साथ नहीं दे सकता। इस तरह के शरीर को संस्कारित शरीर को देवता कहते हैं, दूजे को भूत प्रेत कहते हैं। ये भूत प्रेत मिलनगे शराब खाने, जुए खाने, व्यभिचार के अड्डिया, दुराचार के अड्डिया, और अक्सर इन्हों का संबंध भी रात की तारीकी नाल बनता है, दिन के उजाले नाल नहीं बनता। ये रात में ही ज्यादा प्रसन्न रहेंगे दिन में नहीं। वो जो 90% पावन ने पवित्र ने ये अमृत वेले जागदे ही नहीं, अमृत वेला इन्हों जगा देंगे। इन्हों का सवाल है होया अमृत वेला जाग पै, कोई अलार्म लाए होंगे ना पंछियों ने आपे जाग पै, कोई जगांदा है ना बस अमृत वेला होया जाग पै। क्योंकि 90% ते जागिया हुई आत्मावां ने ते जागे इन्हों का दिन के उजाले नाल संबंध जुड़ता है। ये फिर सत्संग दे चुंदे इतनी लंबी चौड़ी जो मैं थानू विचार सुना रहा। 2 साल तो मेरे नाल घटना घटी है सियाटल। गुरमीत सिंह उत्थे बहुत रहे, अमेरिका का एक शहर है सियाटल, जिथे सारे जहाज बनते हैं उत्थे ही बनते, बोइंग कंपनी उत्थे ही। और शहर मशहूर शहर है, वड्डा शहर है, खूबसूरत शहर। दास का हर साल उत्थे 10 दिन का कुरान ते मेरे नाल होंदे ने अक्सर उत्थे ज्ञानी बलविंदर सिंह जी। 2-3 महीने इत्थे होंदे ने, हैं कनेडा निवासी पर 3 महीने लई इत्थे आ जांदे ने, दसंबर तो लैके गालबन फरवरी मार्च तक रहिंदे, अलवर दे समागम तो बाद वापस चले जांदे। पर अमेरिका के सारे दिन मेरे नाल ही रहने, कनेडा अमेरिका। उन्होंने एक सज्जन ने कहा कि मस्कीन के पिछे 2 बंदे कौन बैठे, ज्ञानी बलविंदर सिंह ने कहा कि कल्ले ही बैठे ने स्टेज पे तो कोई होर नहीं है, स्टेज जिस ढंग की बनी हुई है पर 3 रागी सिंह बैठ सकते हैं या एक कथा कल्ले बैठे। विचकार महाराज का पालक प्रकाश इस पास छोटे जैसे ज्ञानी बलविंदर सिंह कह लगे किधरे थोड़ी अखा च कोई खराबी तो नहीं है। फिर मैं तो गौर नाल देखता पे कल्ले ही बैठे हैं, वो रोई भी जान आखी भी जान, ज्ञानी जी थानू नहीं दिखाई देंगे नहीं। बाद ज्ञानी बलविंदर सिंह ने मैं जो मेरिया है मैं बोलना तो किताबा लिख देने, लिखण का काम वो कर देने, तो मैं लिखता लिखता मेरे हाथ भी थक जाते सन 4-4, 5-5 घंटे। हूँ मैं बोली जाता उन्ना वो लिख दें, बहुत सारिया किताबा इस तरह चलती, ये सेवा वो कर दें। हथ की लिखत उन्होंने बहुत अच्छी। मैनू कहन लगे ज्ञानी जी एक सज्जन जो गलत बयानी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, समझ नहीं आती अनहोनी गल करता है,
ਬੜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਬੈਠੇ। ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਭਾਣਾ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੇ, ਮਸਕੀਨ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਿਧਰੇ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਬਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੜਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬੈਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਬਾਰੀਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵਹਿਮੇ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਇਤਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਜੋ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, 90-95 ਸਦੀ ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਸੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਤਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਰੀਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਵ ਤੇ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਅਨੁਭਵ ਵਧਿਆ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, 60-70 ਫੀਸਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਥਾ ਪਰ ਚੱਲ ਪਏ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨਾ ਆਖੋ, ਇੰਝ ਆਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਉਹਦਾ ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਚਲੋ ਹਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਰਾਮ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨੂੰਮਾਨ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨ, ਫਿਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੋਧਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸ਼ੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੈਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦਾਗ ਦੋਸ ਮੋ ਚਲਿਆ ਲਾਏ ਦਰਗੇ ਵੈਸਣ, ਨਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ, ਪੂਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ, ਪੂਰਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਕੇ,
तन दी मैल है गर्दो गुबार, सूक्ष्म शरीर दी मैल है गलत विचार गलत सोचनी गलत संस्कार अंदर पै पै ने हर गलत थान देते ते भूत प्रेत होंगे। भूत प्रेत का मुराद कुछ भी नहीं, गलत संस्कार पशुआ की तरह जो जीवे। पशु कहते ने जो पास में बजे ने जो पछड़े ने जो पिछे ने, भूत दे अर्थ की ने गुजरे आया पिछला समा भूत का एंते मनुख करतूत पशुआ के भाई अदो भी पशुआ ने पिछे छड़ आयो, मनुखा वाले काम करो बंदे वाले काम करो, मनु पशुआ ने पिछे छोड़ आए। मनुख हो के पशुआ वाले काम कर रहे है ये पछड़े है पिछे ये पीछे चला गया। इस तरह के सूक्ष्म शरीर भी भटकते ने, निर्मल शरीर भी भटकते ने, मलिन शरीर भूत प्रेत कहते हैं, निर्मल शरीर देवता कहते। इस अस्थूल शरीर भी जिसका नवे फीसदी संस्कारक ढांचा पवित्र हो गया, इनू मनुख कहना नहीं चाहिए, यह देवता है फरिश्ता ये रब दे ने देवता। इसे स्थूल शरीर जिस मनुख का नवे फीसदी ढांचा संस्कारक मैल है मलिन है, इनू भी मनुख नहीं कहना चाहिए, भूत प्रेत पशु पशु। चलो हम कबीर को सुन लो, कबीर कहते हैं कबीर जैन घर साधना सेविए, हर की सेवा नाए ते घर मरहट सार थे भूत बसे ते नम। जिथे अमृत वेले का उठना नहीं, प्रभु दे नाम का जप नहीं, सतसंग नहीं, कबीर कहने उस घर नू घर कहन दी की लोड़ है, शमशान घाट है, ते रहन वाले नू मनुख कहन दी की लोड़ है, भूत प्रेत भूत प्रेत।